अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलनवाज। आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो लेके आया हूं आपके लिए सऊदीया फ़्लाइट के हवाले से, क्योंकि इन दिनों काफ़ी अच्छे में गोइयां जन्म ले रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदीया फ़्लाइट 2 अगस्त को ओपन हो रही हैं। तो नाज़रीन, इसी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा और आपको बताएंगे कि क्या वाकई 2 तारीख को फ़्लाइटें ओपन हो रही हैं या नहीं। अगर हो रही हैं तो किस तारीख को हो रही हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सुर्ख कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ में जूद घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। शुक्रिया, जजाकल्ला। नाज़रीन, आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने होंगे कि 2 अगस्त को सऊदीया के लिए फ़्लाइटें ओपन होने का कहा जा रहा है, लेकिन कल की जो मीटिंग है उस मीटिंग में सऊदीया के जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा है कि इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सऊदीया की फ़्लाइटें 2 तारीख को खुलेंगे, क्योंकि जो 9 ममालिक जिनमें सऊदीया ने बैन किया हुआ है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है और उसको अभी तक लिस्ट से नहीं निकाला गया। अगर उम्रे की बात की जाए तो उम्रे के हवाले से कहा गया है कि यकम मुहर्रमुल हराम से उम्र शुरू हो जाएगा बिरूने ममालिक के लिए, और सऊदीया के सिटीजन के लिए कल जो एतवार गुजरा है एतवार से उम्र शुरू हो चुका है, आप बुकिंग करवा सकते हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसके बारे से ये कहना था कि हम कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को भी वो 9 ममालिक वाली लिस्ट से निकाल दें और डायरेक्ट पाकिस्तान से फ़्लाइटें जाएँ। अगर आप अभी सऊदीया जाना चाह रहे हैं तो आपको वाया फ़्लाइट लेके जाना पड़ेगी, लेकिन 2 तारीख की जो चे में गोइयां जन्म ले रही है इसमें किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुआ। सऊदीया गवर्नमेंट के मुताबिक अगर फ़्लाइट शुरू की जाएगी तो उसकी 10 अगस्त की डेट है, लेकिन 10 अगस्त का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जो ही हमारे पास फ़्लाइट शुरू होने की या उम्र शुरू होने की जो भी अपडेट आएगी, हम आप तक मुसद्दका इतला लेके आएंगे और बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए लेके आएंगे, ताकि आप लोग इस तरह की वीडियो जो बनाते हैं उससे गुमराह ना हों। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को इसके इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके और वो गलत वीडियो बनाने वालों से गुमराह ना हो सके। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक भी करें और मुझे दें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।